नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्जाभट्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ त्रिलोक कुमार झा। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक श्री शिवचरण गोयल जी का अपने नए कार्यालय का उद्घाटन ईस्ट पंजाबी बाग में किया, कई समर्थक उनके साथ थे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वार्ड 99 में ये ऑफिस खुला है, तो इस पंजाबी बाग क्षेत्र में आपका छन्नामल पार्क से लेकर यहाँ तक सेंटर में कोई ऑफिस नहीं था। यहाँ पर ऑफिस खुलने से सबको सुविधाएँ मिलेंगी और सबकी कंप्लेंट्स, सुझाव और उनको फिर सिस्टमेटिक हल करना। तो यहाँ पर हमारे अर्शद गोयल जी यहाँ बैठेंगे सुबह 9:30 से 11 बजे और स्थिति को देखते हुए समय को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि लगता है डिमांड बढ़ेगी तो फिर यहाँ और भी मैं भी यहाँ बैठूँगा। तो ये मकसद कोई इलेक्शन से नहीं है, जो आपने कहा इलेक्शन, आज तो रिजल्ट आना है। रिजल्ट में हमें तो उम्मीद है कि 99% हमारे केस को हमें जीत मिलेगी और इसमें न्याय मिलेगा। इस क्षेत्र में काफ़ी विकास का कार्य किया है, तो जब अभी जैसे कि अभी तो एक तरह से आप विधायक नहीं रहे, पहले तो आपने क्या, जब विधायक हटने के बाद काम शुरू कर दिए, इसका क्या कारण है? पहली बात तो मैं अपने आप को विधायक नहीं मानता, मैं अपने आप को एक आम आदमी मानता हूँ। और आम आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के कल्याण के लिए काम करता रहे, चाहे वो इस समय सीट पर है या नहीं है। आज हर आदमी अपनी ड्यूटी को समझ ले, और हमने एक ही मोटिव है कि हर एक को हमने MLA और केजरीवाल बनाना है। हमारा मकसद कोई शासन करने का नहीं है, हमारा मकसद एक सिस्टम को डेवलप करना है। जो सिस्टम खराब हो चुका है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए हम आए हैं। और आज मैं पिछले 3 दिन से लगातार मैं मार्केटों में घूम रहा हूँ। फर्स्ट डे मैं गया था मानसरोवर गार्डन, नेक्स्ट डे मैं रमेश नगर, और कल मैं गया था कीर्ति नगर। सभी मार्केट में मैंने डोर टू डोर लोगों से बातचीत की और सभी ने एक बात बहुत दिल से कही, और मैं सारे काम लाइव करता हूँ, आप मेरी लाइव रिकॉर्डिंग देख लेना। हर एक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता पैदा नहीं हुआ, जो कि ईमानदारी की बात जो अब दिख रही है, जो आज तक किसी लीडर में नहीं थी, आज वो दिख रहा है। काम ना करने देने के बावजूद दिल्ली में जो विकास हुए हैं वो आप सभी के सामने है। आज कल बजट पेश किया गया हमारे माननीय मिनिस्टर सिसोदिया के द्वारा। जब 14-15 में हमें गवर्नमेंट मिली थी, उस समय दिल्ली का बजट था 30,000 करोड़ रुपया, और लास्ट ईयर हमारा बजट था 49,000 करोड़ रुपये। सबसे बड़ी ईमानदारी की पहचान तो ये हो गई कि 30,000 करोड़ से 49,000 करोड़ रुपए, और पिछले 3 सालों में हमारे से पहले 3 साल जो सरकार थी उसका बजट सिर्फ बड़ा था 4,000 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर, और हमारा बड़ा 19,000 करोड़ रुपए। यही एक सबसे बड़ी ईमानदारी की बात। और अब जो अगला प्रोग्राम है वो 54,000 करोड़ रुपए का, और मुझे लगता है कि आपकी 54,000 करोड़ ना होगी 60,000 करोड़ होगा, ऐसा मेरा मानना भी है, क्योंकि अभी आंकड़े और भी आएंगे और हमारा बजट 60,000 से कम नहीं पहुंचेगा, इसमें मुझे कहीं भी संशय लगता नहीं। ये बजट बन के ही रहेगा कि काम भी होगा? आपने कहा सरकार जब बनी थी आपके तो कहे कि 500 नए स्कूल खुलेंगे, क्लस्टर बसें आएंगी, कल भी जो हो सकता है 1,000 नया क्लस्टर बस की बात हुई है, वाईफाई की बात है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी इतना मैं बता देता हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर 12,000 कमरे बन चुके हैं इस क्लासरूम में। 12,000 कमरों का मतलब है कि आप इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 250 स्कूल बन चुके हैं। ये तो बात रही एजुकेशन की, एजुकेशन के आप स्कूल के बाहर खड़े हो जाएं, आप आने जाने वाले से पूछें कि स्कूल में कितना विकास हुआ, आप मेरे से ना पूछें, क्योंकि मैं तो विधायक हूँ, मैं तो कहूँगा। आप सड़क पे खड़े होकर लोगों से पूछें कि दिल्ली में कितनी डेवलपमेंट हुई है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर चर्चा कि दिल्ली के स्कूल आज वर्ल्ड में इतनी जल्दी बेहतर कैसे हो गए। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने
बाकायदा माननीय मनीष सिसोदिया को 7 दिन लेक्चर के लिए बुलाया। ये हमारे लिए देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबकी निगाह मनीष सिसोदिया पे है कि उन्होंने क्या जादू किया कि यह दिल्ली का शिक्षा का स्तर इतना उठ गया कि लास्ट ईयर हमारे बच्चों का रिजल्ट आया गवर्नमेंट स्कूलों का 90% और प्राइवेट का आया 80%। आप इसी से एनालाइज कर लें कि दिल्ली का एजुकेशन का स्तर, और हमने अपने बच्चे तैयार कर दिए तो हमें देश का विकास करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे खुद अपने विकास कर लेंगे। हमने तो बच्चों का विकास करना है, और बच्चों में हमारे में इतनी क्षमता है जो पूरे वर्ल्ड का विकास कर रहे हैं। आज वर्ल्ड में कोई सिटी उठा के देख लो, जितने भी टॉप पोस्टेस हैं सबके ऊपर इंडियन बैठे हैं, और हमारे बच्चे यहाँ बैठ गए तो मुझे नहीं कुछ आवश्यकता किस कहने की। और उसके बाद आपने कहा पैसे का इस्तेमाल, मेरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है आचार्य भिक्षु, आप उस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाएं, बाहर छोड़ो आप इस मकान के बाहर खड़े हो जाएं, पूरी विधानसभा के बाहर खड़े हो जाएं, आप एक एक व्यक्ति से पूछें कि आपको आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में सुधार है कि नहीं है। यदि एक भी व्यक्ति आपको कह दे कि आचार्य भिक्षु में सुधार नहीं है तब आप कहिएगा। विकास किसे कहते हैं? विकास उसे कहते हैं जिसे घर में पहले बच्चों को शिक्षा मिल जाए, और मजबूरी जब भी कोई दिक्कत आए तो उसे चिकित्सा मिल जाए, इसे विकास कहते हैं। हम तो बिजली के बिल नहीं बढ़ने दिए 3 साल के अंदर, पानी के बिल फ्री कर दिए, अब और से बड़ा विकास क्या होगा? आप पूरे दिल्ली की गवर्नमेंटें उठा के देख लें, सेंटर की गवर्नमेंट उठा के देख लें, उसके बाद आप मेरे से बात करें कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। आगे की क्या योजना है? आगे की योजना तो कल आपने बजट में आपने सुनाई है कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन भी कम करेंगे, विकास भी करेंगे, और शिक्षा का बजट भी बढ़ा दिया, अब 26% कर दिया शिक्षा का बजट, और 54,000 करोड़ में हमारे करीब बजट के अंदर प्रवाह आ रहा है। तो हर क्षेत्र के अंदर हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। विपक्ष को आज बोलने का मौका नहीं मिल रहा कि वो क्या बोले, वो किसी भी टी बातें और विपक्ष की बात में करने लग जाऊं। आज सेंटर के अंदर हमारी भाजपा की सरकार बैठी है, और आज एक एक व्यापारी दिल्ली का परेशान है। 7 लाख व्यापारी हमारे हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा हम जितनी भी सरकारी ज़मीन पर एंक्रोचमेंट है हम उसके साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं करेंगे, उसके साथ सीलिंग भी करेंगे और आगे भी हम कुछ कर सकते हैं। जब ये मकान और दुकानें बंद रही थी आपका प्रशासन सो रहा था, उस समय भी नीचे MCD के अंदर BJP थी। पिछले 12 सालों से 2006 के अंदर जब MCD यहाँ थी वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रोकी गई? ये एकदम आज उन ऑफिसरों पे कुछ नहीं कहेंगे आप, मारेंगे किसको? गरीब व्यापारी को, गरीब जनता को। पहले कम से कम भी आप किसी अधिकारी पे तो एक्शन करें जिनके आप उनके खाते देख लें, अधिकारी होंगे उनके राजनेताओं के खाते देख लें। ये पैसा जो बना, ये जो दिल्ली आज पूरी अनथराइज बनी, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम तो गरीब जनता को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके पीछे भी मारने का एक कारण है, उन्होंने FDI पे साइन किए हुए हैं। FDI लेके आनी है, और इसका मकसद पूरा FDI के माध्यम से काम करना है। ये तो एक बहाना है, विदेशियों को लाना है, विदेशियों का माल बिकना है, और यहाँ की जनता को दुखी करना है। अभी आपको और भी दिखेगा क्योंकि माल खाली है, बड़े बड़े व्यक्ति माल खरीदेंगे उसमें बड़े बड़े सामान बिकेंगे, और छोटी जनता जब यहाँ दुकानें नहीं देंगी तो आप। सर द्वारका में ब्लॉकबस्टर चल रहा है स्कूल का मामला, उस पर प्रकाश डालिए। द्वारका में जो स्कूल में बना है उसमें 2000 सीट थी और 5000 से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, तो ये तो एक अच्छी बात है कि लोगों का पूरा ध्यान अब प्राइवेट स्कूल से हटकर गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आ रहा है। रोहिणी में भी एक पिछले साल स्कूल खुला था लास्ट ईयर, उसमें 770 बच्चों ने एडमिशन लिया, और जब उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पढ़ते थे पहले, तो उन्होंने 625 बच्चों ने कहा कि पहले हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे। तो आज तो पूरी दिल्ली में सबको एक
आशा की किरण जाग उठी है कि जितने महंगे प्राइवेट स्कूल हो चुके हैं, हमें गवर्नमेंट के माध्यम से उतना शिक्षा में सुधार मिलेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ने जो मिलकर आज दिल्ली का पूरा परिवर्तन किया है, तो मैं तो उनकी शब्दों में बयान नहीं कर सकता।